तो अगर मैं बोलूं कि वो एट आइडमपोटेंट डायगनल मैट्रिक्स लिखो, तो पहले हमने बोल दिया क्या ए वन, ए वन को क्या बोला डी आई ए जी, डायगनल बोल दिया। इसको हमने ले लिया वन वन वन, इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको हमें पता है ना, डायगनल मैट्रिक्स को ऐसे भी लिखते हैं। ए टू क्या हो गया, फिर ये हो गया डी आई ए जी, ये हो गया। अब इसको चेंज करते जाओ जीरो, एक बार फिर हमने 0 0 ले लिया 0 0 0। फिर ए थ्री क्या हो गया, ए थ्री हो गया डायगनल ऑफ 1 डाला, यहाँ 0 डाला, यहाँ 0 डाला। ए फोर क्या हो गया, डायगनल ऑफ 0 1 0। ए फाइव क्या हो गया, डायगनल ऑफ 0 0 1। इसका क्या मतलब हो रहा है डायगनल, इसको इसका ये मतलब हो रहा है कि ये लिखा 0 0 0 0 0 0 0 0 1, ठीक है ना। ये जो हम डायगनल मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये जो डायगनल के एलिमेंट्स लिखते हैं, ये 0 0 1 लिखा है ना, ये 0 0 1 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब ए टू दी पावर 6 क्या होगा, ठीक है, इसको तुम ऐसे ले लो डायगनल ऑफ 2 1 1 0। ए टू द पावर 7 क्या होगा, डायगनल ऑफ 1 0 1। ए टू द पावर 8 क्या होगा, डायगनल ऑफ 0 1 1, ठीक है ना। तो ये 8 पॉसिबल आइडमपोटेंट डायगनल मैट्रिक्स आ गए, ठीक है। अब तुम इसको ध्यान से देखो, हमने 3 बाई 3 ऑर्डर का, ये इसे यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको ध्यान से सुनो। हमने क्या किया, 3 बाई 3 ऑर्डर, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा था कि 3 बाई 3 ऑर्डर के ऑल पॉसिबल डायगनल आइडमपोटेंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करो। तो हमने क्या कैलकुलेट किया कि 8 पॉसिबल डायगनल आइडमपोटेंट मैट्रिक्स हमें मिल गया, ठीक है। जब हमने कैलकुलेट किया तो हमें क्या मिला, 8 पॉसिबल डायगनल आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। तो इस 8 को तुम कैसे लिख सकते हो, 2 पे पावर 3 लिख सकते हो, ये 2 पे पावर 3। 3 क्या हो गया, 3 बाई 3 ऑर्डर का जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ गया, ये 8 आ गया। अगर मैं तुमसे बोलूं कि 4 बाई 4 ऑर्डर का तुम डायगनल आइडमपोटेंट मैट्रिक्स लिखो, तो वो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 4, 16 आ जाएगा। चेक कर लेना, जैसा भी हमने 3 के लिए बोला है ना, 4 के लिए क्या हो जाएगा, ऐसे जो स्टार्टिंग में मैंने ये बनाया था ना, ये वाला जो मैट्रिक्स बनाया था, ये ऐसे करके 4 बाई 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ जाएगा। अब फिर क्या करोगे, ये सेम कैलकुलेशन करोगे, तो अल्फा बीटा गामा वहाँ डेल्टा आ जाएगा, तो डेल्टा के भी 2 पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगे 0 एंड 1। तो इसका मतलब कि जो डायगनल में जो 4 एलिमेंट्स होंगे, वो 4 एलिमेंट्स के हर एक एलिमेंट के लिए 2 पॉसिबिलिटी आ गया, या तो 0 1 0 1 0 1 0 1, ऐसे पॉसिबिलिटी आ जाएंगे। तो वहाँ पर टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब अगर मैं बोलूं कि तुम्हें फाइंड डायगनल आइडमपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5, तो वो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 5, 32 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि फाइंड डायगनल आइडमपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, फाइंड ऑल पॉसिबल डायगनल आइडमपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n। फॉर्मूला बन गया ना, ये सब मैं रफ में लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी नोट्स में लिख रखा है, ठीक है। तो ये बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात यहां पे क्या है कि तुम इसको ऐसे देखो कि हम डायगनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, सिंपली क्या करते हैं, सिंपली क्या करते हैं, उसके डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये ए वन हमारा डायगनल मैट्रिक्स, ये डायगनल मैट्रिक्स है ना। अगर मैं बोलूं यहां से कि डिटरमिनेंट ऑफ ए वन क्या होगा, सिंपली इसके डायगनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि डिटरमिनेंट, यहां से मैं बोलूं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए टू क्या हो जाएगा, तो डायगनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 हो जाएगा। अब तुम ध्यान से देखो, इसका भी डिटरमिनेंट 0 0 0, बिकॉज डायगनल में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, सारे का डिटरमिनेंट 0। तो इस 8 जो मैट्रिक्स मिला हमें, इस 8 मैट्रिक्स में हमें सिर्फ एक ही ऐसा डायगनल मैट्रिक्स मिला जो कि नॉन सिंगुलर है, बाकी सारे सिंगुलर मैट्रिक्स आ गए, आ गया ना। ये वाला मैट्रिक्स हमारा नॉन सिंगुलर मिला, बाकी ये सारे मतलब 2 टू द पावर 3 माइनस 1 नॉन सिंगुलर मिले, सॉरी सिंगुलर मिले, एंड 1 मैट्रिक्स जो मिला हमें एक नॉन सिंगुलर डायगनल आइडमपोटेंट मैट्रिक्स मिला। तो इसी बात को मैं जनरलाइज भी कर सकता हूं। जनरलाइज कैसे करूंगा कि सबसे पहले अगर बोला जाए कि फाइंड ऑल पॉसिबल डायगनल आइडमपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो मैं क्या बोलूंगा, 2 टू द पावर n। अब मैं बोलूं कि उस 2 टू द पावर n मैट्रिक्स में से कितने, उस 2 टू द पावर n मैट्रिक्स में से कितने सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे,
ठीक है, तो तुम बोलोगे कि 2^(n-1) सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, एंड 1 जो मैट्रिक्स होगा मतलब एक मैट्रिक्स वो नॉन सिंगुलर होगा, और बाकी 2^(n-1) मैट्रिक्स एक कि 2^(n-1) मैट्रिक्स सिंगुलर होगा एंड 1 मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, ज्यादा बोल दिया। देखो इसी बात को, देखो यहां पे बच्चे लिखा हुआ है, देख लो ध्यान से, इसी बात को यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ए स्क्वायर को मैंने ए बोला, ये कैलकुलेट किया, यहाँ से अल्फा के, अल्फा बीटा गामा के दो दो पॉसिबल वैल्यूज आ गए, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ डायगनल एडिंपोटेंट मैट्रिक्स 8 हो गया। इसी बात को यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, ये सिंगुलर हो गया, ठीक है, ये नॉन सिंगुलर हो गया, बाकी सारे सिंगुलर हो गए। तो हमें क्या मिला, इस 8 मैट्रिक्स में से एक ही मैट्रिक्स हमें क्या मिला, नॉन सिंगुलर, और बाकी सारे क्या मिल गए, सिंगुलर मिल गए। और दूसरी बात, जो नॉन सिंगुलर मिला डायगनल आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स, वो भी क्या मिला हमें, वो भी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखोगे। तो इस बात को तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि नॉन सिंगुलर डायगोनल आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैंने बोला कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का और वो हमारे वो नॉन सिंगुलर है, तो तुम क्या बोलोगे कि फिर वो मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। क्लियर है ये बात? तो इसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ डायगोनल आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 विच आर नॉन सिंगुलर इज वन विल बी वन, एंड नंबर ऑफ डायगनल आइडेंटिपोटेंट मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 विच आर सिंगुलर विल बी 7। इसको और हम थोड़ा जनरलाइज कर सकते हैं। कैसे जनरलाइज कर सकते हैं, हमने क्या बोला, और नंबर ऑफ डायगनल आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स बोला, तो वो क्या हो गया 2^3। इस 2^3 में से एक हमें सिंगुलर मिला, और बाकी 2^3-1 हमें, सॉरी फिर गलत बोल दिया, 2^3 में से हमें सिर्फ एक नॉन सिंगुलर मिला और बाकी 2^3-1 सिंगुलर मिला। क्लियर है? नोट में इसी को लिख लिया। नोट में फर्स्ट नोट क्या बोल रहा है, डायगोनल आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन विल बी 2^n। 3 ऑर्डर का लिया था तो 2^3 मिला, अगर एन ऑर्डर का डायगोनल आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स लेंगे तो वो 2^n मिलेगा। सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ डायगोनल आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन विच आर नॉन सिंगुलर विल बी 1। ठीक है, यह भी बता दिया, नंबर ऑफ डायगोनल आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन विच आर सिंगुलर विल बी 2^(n-1)। टोटल में से एक ही तो आ रहा था हमारा नॉन सिंगुलर, उसको हटा दिया तो बाकी सिंगुलर हो गया। ठीक है, तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शो डैट